आपके पास मौका है 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये जीतने का। देखिए यहाँ पर आप स्टडी से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप एक अच्छा निबंध लिखकर कैसे 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये कमा सकते हैं। आज का नोटिस है ऑफिस ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, सीएजी की तरफ से आज का नोटिस है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली, नेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2024। ध्यान से देखना है पूरी वीडियो को, ठीक है, स्किप मत करना। क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, एक एक चीज़ें हम लाइन टू लाइन आपको बताएंगे। द ऑफिस ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग द थर्ड नेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन एज पार्ट ऑफ ऑडिट दिवस सेलिब्रेशन। The essay competition aims to make the youth of the country aware of the institution of the CAG of India and appreciate the contribution of the CAG in promoting public accountability and good governance. The competition will also give an opportunity for young minds to harness their creativity and express ways in which the institution of the CAG can contribute to good governance. बेसिक मुद्दा क्या है कि स्टूडेंट्स को, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको सीएजी के बारे में पता करना कि सीएजी क्या है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इसके वर्क को कैसे अप्रिशिएट करना है, इसका कंट्रीब्यूशन, यही बताना है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी मांगी गई है। The essay writing competition is open to all college students who are currently enrolled in a course of study at any institution recognized by any university in India. The participants should not be more than 23 years old as on 1 अगस्त 2024 को 23 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट की, ठीक है। Employees of the Indian Audit and Accounts Department shall not be eligible for participating in competition, ठीक है। जो एम्प्लॉय हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देयर फैमिली मेंबर्स आर हाउएवर नॉट डिबार्ड फ्रॉम द टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, हालांकि उनके फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द एसे कॉम्पिटिशन विल बी कंडक्टेड इन कन्वेंशनल पेन एंड पेपर मोड में होगा, बाय द वे ऑफ फिजिकल पार्टिसिपेशन इन स्टेशंस वेयर फील्ड ऑफिसर्स ऑफ IA and AD are located for the list stations please visit। यहाँ आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको लोकेशन अगर देखनी है कि कहाँ देना है, ठीक है, एग्जाम ये एसे लिखना है। द एसे कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन, कब होगा? 4 अक्टूबर, डेट याद रख लो, 4 अक्टूबर 2024 को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पार्टिसिपेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जिसमें सहूलियत हो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। द एसे विल बी इवेल्युएटेड सेपरेटली, ठीक है। हिंदी वालों को अलग मिलेगा प्राइज और इंग्लिश वालों को अलग प्राइज मिलेगा, ठीक है। प्रथम पुरस्कार 50,000, सेकंड 40,000, थर्ड 30,000। इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट विल बी गिवन एंड ऑप्शन टू सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ स्टेशन, इसमें से आप जिस एरिया में टेस्ट एसे देना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। द पार्टिसिपेंट विल बी अलॉटेड अ सेंटर एट द स्टेशन सेलेक्टेड बाय देम ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। द एड्रेस ऑफ द सेंटर अलॉटेड टू द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट विल बी सेंड बाय ईमेल टू द पार्टिसिपेंट, ठीक है। ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। बाकी नो चेंज विल बी अलाउड इन द स्टेशन वंस अलॉटेड टू द पार्टिसिपेंट। रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स शुड रिपोर्ट टू द सेंटर एटलीस्ट 1 hour बिफोर द कॉम्पिटिशन टू फैसिलिटेट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अटेंडेंस एंड सीट्स, ठीक है। 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। 2:30 बजे से है तो आपको 1:30 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। 2:30 से 4:30 है तो 1:30 बजे पहुंच जाइए। देर आर नो रजिस्ट्रेशन, कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द अलॉटमेंट सेंटर, ठीक। तो पार्टिसिपेंट को आने जाने का कोई किराया नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है। द टॉपिक ऑफ एसे विल बी शेयर्ड विद पार्टिसिपेंट ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ एसे कॉम्पिटिशन इन द प्रीमिसेस ऑफ IA and AD। आपका टॉपिक वहीं पर ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। एस्से की लेंथ 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट विल ऑल्सो मेक अ स्मार्ट समरी ऑफ द एस्से इन 150 वर्ड्स। ठीक है, अगर एस्से लिखा उसमें 150 वर्ड्स की आप समरी भी बना सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा। कैप्चरिंग द एसेंस एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द एस्से, जिससे पता लग जाएगा कि आपका जो एस्से है क्या प्रदर्शित करना चाहता है। ठीक है, ये आपके पॉइंट क्या हैं। इट मे बी लोकेटेड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द एस्से, चाहे शुरू में चाहे लास्ट में आप लिख सकते हैं। द एस्से मे बी रिटन इन हिंदी और इंग्लिश, कोई सी भाषा में लिख सकते हो। द एस्से शुड रिफ्लेक्ट ओरिजिनल थिंकिंग एंड प्रेजेंटेशन। द CAG ऑफ इंडिया शैल नॉट बियर एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉपीराइट वायलेशन और इन्फ्रिजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट विल ओपन एट 000 आवर्स ऑन 14 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन विल बी अलाउड टिल 100 आवर्स 3 अक्टूबर 2024 तक, सब्जेक्ट टू कैपेसिटी कॉन्स्टेंट एट वेरियस लोकेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेडक्वार्टर सेंटर इंचार्ज। ऑन साइड रजिस्ट्रेशन विल ऑल्सो बी अलाउड फॉर वॉक इन प्रेजेंटेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन टिल 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूलिंग स्टार्टिंग टाइम ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, एड्रेस बाकी आपको मिल जाएगा जो आप फिल करोगे, फॉर्म फिल कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने आपको, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज में। ठीक है, स्टूडेंट की एक ID स्कैन कर कर देनी है। स्कैन डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो, 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हो। ओरिजिनल फ़ोटो ID, ठीक है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपको मिली है वो लगा सकते हो। फेलियर टू प्रोवाइड एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट और प्रोवाइडिंग इन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में लीड टू डिसक्वालीफिकेशन। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इवेल्युएशन कैसे होगा, द बेस्ट 3 एस्से इन ईच लैंग्वेज विल बी अवॉर्डेड कैश प्राइज एज मैंसनड इन पैराफिप। प्राइज आपको पता ही लग गई, 50,000, 40,000 और 30,000। हिंदी वालों को अलग मिलेगा, इंग्लिश वालों को फिर अलग मिलेगा, 50,000, 40,000 और 30,000। ठीक है, 1,20,000 का टोटल इनाम इधर है और 1,20,000 का टॉप 3 को इधर है। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एस्से विल बी ओरिजिनलिटी ऑफ द थॉट एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको कितनी नॉलेज है, उसकी डेप्थ और थॉट प्रोसेस क्या है। क्लियर रीजनिंग एंड क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल एनालाइज, स्ट्रक्चर और राइटिंग स्टाइल कैसे है। द डिसीजन ऑफ द इवैल्यूएशन कमेटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टिसिपेंट्स। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 5 नवंबर 2024 को। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा 16 नवंबर 2024 को। कंपटीशन विनर विल बी नोटिफाइड ऑफ द कंपटीशन रिजल्ट बाय ईमेल। ठीक है, ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि विनर कौन कौन है। रीजनेबल एफर्ट्स विल बी मेड टू कॉन्टैक्ट द प्राइज विनर फॉर 10 डेज। इफ द विनर फेल्स टू रेस्पॉन्ड टू आवर नोटिफिकेशन अटैम्प्ट विद इन दिस टाइम वी रिजर्व द राइट टू डिस्क्वालीफाइड। देखिए, अगर आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा, अगर आप लेने पहुंच गए ठीक है 10 दिन में, वरना एंड ऑफ द प्राइज टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर विनर नहीं पहुंचते हैं तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हूँ पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन शैल रिसीव पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट इन डिजिटल फॉर्म। सभी जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा डिजिटल फॉर्म में। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, कोई चीटिंग नहीं होगी। पहले रूल्ड स्टेशनरी एस्से राइटिंग बुकलेट प्रोवाइड होगी सेंटर पर। पार्टिसिपेंट्स में राइट ओनली देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, टॉप सीट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। नो अदर डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट विल बी मैंशनड एनीवेयर ऑन द एस्से राइटिंग सीट। इफ फाउंड हिज और हर पार्टिसिपेंट विल बी कैंसल। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है कॉपी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जानी है। ठीक है, तो वहाँ पर सेंटर पर जमा कर सकते हैं अगर ले जाते हैं तो। इफ़ द पार्टिसिपेंट अगर चीटिंग करते हुए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका पार्टिसिपेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। If an entry is found to violate the guidelines, it will be removed from the evaluation process without giving any intimation or explanation to the participant. Arrangement पानी का वहाँ रहेगा, ठीक है। CAG of India shall have an exclusive, royalty free, perpetual and irrevocable license to copy, store, edit, distribute, transmit and publish competition entries, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वी मे अंडरटेक पब्लिसिटी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉम्पिटिशन एंड प्राइज अवार्ड्स। द विनर शैल एग्री टू द यूज ऑफ देयर नेम, फोटोग्राफ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रीजन। एनी डिस्प्यूट कोई भी होता है तो वो सारा CAG ऑफ इंडिया विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग है। द CAG ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू कैंसल या अमेंड कर सकता है, ठीक है, कंपटीशन की गाइडलाइन या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था। आप अगर आपकी लिखने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप वो ऐसे लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।